हेलो फ्रेंड्स, आज हम दही पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है रेसिपी और बिल्कुल कम टाइम पे। तो यदि आप खट्टी मीठी इमली की चटनी नहीं बना पा रहे हैं तो इसमें सारे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूं, तो आप फ्रेंड्स वीडियो में आगे बने रहें। सबसे पहले हमने गोलगप्पे ले लिया है और गोलगप्पे में हमने बीच से होल कर लिया है और इसमें हम हरा मटर मसाला ऐड कर देंगे। यदि आप हरा मटर का वीडियो देखना चाहते हैं, हरे मटर मसाला बनाने का वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंक शेयर किया है। और यदि आपके पास हरा मटर ना हो तो आप उबले आलू में स्वादानुसार नमक और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर मिलाकर अच्छे से मैश कर लें और इस गोलगप्पे में भरकर एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास हरा मटर हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप उबले आलू से बनाकर तैयार कर सकते हैं दही पूरी रेसिपी। और इसमें बारीक प्याज और बारीक टमाटर काटकर ऐड कर दिया है। और यदि आपके पास खट्टी मीठी इमली की चटनी है तो उसको इसमें ऐड कर दें। यदि आप जल्दबाजी में खट्टी मीठी इमली की चटनी नहीं बना पा रहे हैं तो यदि आपके पास टमाटो केचप होगा तो उसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पतला कर लें और जल्दबाजी में इसमें मिलाकर खाएंगे तो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इसमें हम हरी चटनी ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप फ्रेंड्स इस रेसिपी को इंजॉय करें। और इसमें हम फ्रेश दही ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। दही में हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी मिला देंगे ताकि ये ज़्यादा खट्टा ना हो। और इसमें हम स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। यदि आपके पास चाट मसाला हो तो वो ऐड कर दें, नहीं तो चाट मसाला नहीं है तो भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये झटपट से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सेव डाल दिया है ऊपर से, इसको गार्निशिंग के लिए हमने हरी धनिया ऐड कर दिया है। और इसमें गार्निशिंग के लिए हमने अनारदाने डाल दिया है। तो ये देखिए हमारी डिलीशियस मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर एंजॉय करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें फ्रेंड्स। तो हम जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।